मध्य प्रदेश में पिछले 7 दिनों से जारी किसानों का आंदोलन और उग्र हो गया है। मंगलवार को हुई जबरदस्त हिंसा के बाद 2 इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। सरकार ने 4 जिलों में मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिया है। मंदसौर और रतलाम के बीच रेल भी रोके जाने की खबर है। मध्य प्रदेश में कर्ज माफी और फसल की सही कीमत की मांग को लेकर शुरू हुए किसान आंदोलन में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। कई जगह में आगजनी और हिंसा की खबरें आ रही हैं। बढ़ती हुई हिंसा को देखते हुए मंदसौर में CRPF और RAF की 6 कंपनियां तैनात की गई हैं। सरकार का कहना है कि किसानों के आंदोलन का फायदा उठाते हुए असामाजिक तत्व भी इसमें शामिल हो गए हैं। कई जगह दुकानों में लूटपाट और आगजनी की घटनाएं सामने आ रही हैं। वाहनों को भी जलाया जा रहा है। ऐसी खबर है कि आंदोलनकारियों ने मंदसौर में रेल पटरी पर कब्जा कर लिया है और रतलाम और नीमच में ट्रेनें रोके जाने की खबर है। इंदौर भोपाल हाईवे पर भी कई वाहनों को जलाए जाने की खबर है। सोनकच्छ में भी उत्तेजित भीड़ ने चार्टर बस में आग लगा दी। बस में सवार यात्रियों ने नजदीक के खेतों में जाकर अपनी जान बचाई। वहीं दूसरी जगह दंगाइयों ने महिलाओं और बच्चों को ले जा रही बस को भी नहीं बख्शा और उस पर पत्थर बरसाए। इसके अलावा देवास जिले के हाथीपीरिया में भी कई जगह हिंसा और वाहनों में आग लगाने की भी घटनाएं सामने आई हैं। गो न्यूज़ ब्यूरो।